हे यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमारे हमें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी को हमारे नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो हम आप सबको क्या बताएं, आप लोग को हम कुछ बताना चाहते हैं और आप सब पता नहीं यकीन करिएगा कि नहीं करिएगा, ये हमें नहीं पता है। और हम बहुत ज़्यादा अभी आप सबकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हेल्प की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। वो क्यों ज़रूरत है आप लोग को हम बताते हैं। वो मतलब कि रोशन जी हमसे इतना बड़ा सच कैसे छिपा लिया, हमें खुद पता यकीन ही नहीं हो रहा। सो हम क्या बताएं आप लोग को, मतलब अभी हम ना मतलब रेडी हो रहे थे, सोचे उसको छः इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो शूट कर लेंगे। तो हम ना मतलब आज रोशन जी का बैग चेक किए तो उसमें हमें पता है क्या मिला, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए उनका फाइल, जो कि उनके मतलब तबीयत खराब, जो मतलब उनको कुछ बीमारी, ऐसा बीमारी है जिनका पता नहीं क्या होगा। तो हम ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग को हम बताएंगे और दिखाते भी हैं कि आप आखिर क्या है। तो आप लोग मतलब देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किडनी स्टोन एंड यूरोलॉजिक क्लिनिक है। और इसमें मतलब कि हमें नहीं पता था कि रोशन जी को ऐसे है बीमारी, यानी कि किडनी स्टोन है। और हम बहुत ज़्यादा जैसे कि हम बहुत ज़्यादा दुखी है, तो हमें ना आप सबकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइम आप एक यूट्यूब फैमिली है जो हमारे साथ दे दीजिएगा। और हम ना बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और क्योंकि अभी हम रोशन जी से पूछेंगे तो वो ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे कि आखिर हमने आखिर वो हमसे झूठ क्यों बोले। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। अगर आप लोग कुछ उपाय घरेलू नुस्खे जानते हैं तो प्लीज़ आप लोगों में आप सभी हमें बताइएगा कमेंट में कि किडनी स्टोन के लिए हम क्या करें और क्या नहीं करें। अब जाने हैं तो उनको जितना होगा उनको परहेज करेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम मतलब उनका भी फाइल दिखाते हैं आप लोग को, मतलब फाइल में मतलब उनका जो है हर एक चीज़ दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड ये सभी चीज़ दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकें, रुकिए ये देखिए उनके मतलब यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, और यहाँ पर मतलब 6 ml का पत्थर है, किडनी में ही है और अभी तो दवाई वाई चल रहा है। तो ये उनका मतलब रिपोर्ट है जो अल्ट्रासाउंड का है, और ये उनका जो है क्या क्या है ब्लड टेस्ट का है रिपोर्ट। और ये एक सेकेंड, और ये उनका एक्सरे का है, जो कि उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा मेडिकल जांच मतलब नहीं हुआ, मतलब ये अल्ट्रासाउंड ये सभी ये तो उनका एक्सरे है, क्योंकि मतलब वो हम ना मतलब ज़्यादातर सोई हुए रहते तो हमें बहुत हम पूछते थे क्या हुआ वो नहीं बताते। ये मतलब हमसे जब हम नहीं थे घर पर तो ये चिपके चिपके, यानी कि घर में सभी को पता है, सिर्फ हमें ही नहीं पता है। यहाँ पर देखिए उनका रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट है और दवाई भी चल रहा है। और किडनी स्टोन के लिए वो डॉक्टर माना जाता है, आप लोग प्रे कीजिए कि हमारे हस्बैंड को जो भी किडनी स्टोन है वो जल्द बहुत जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि एक लड़की के लिए उनके हस्बैंड कितना मायने रखता है। और हमारी एक छोटी सी बेटी भी है जो कि उनके भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है, सो इसीलिए तो हम वीडियो बनाते हैं। और ऊपर से आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे हस्बैंड को इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये उनका अल्ट्रासाउंड जो कि 2 बार करवाए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किडनी स्टोन मतलब साफ साफ दिख रहा है। तो आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर है, ये देखिए दिख रहा है या नहीं आप लोग को, यहाँ पर मतलब पत्थर है, किडनी स्टोन बोले ये पत्थर है जो कि 6 ml का है। हमें तो नहीं पता है कि इस मतलब इसमें पता नहीं कितना ज़्यादा पेन होता है इनको, मतलब इसीलिए ना बहुत ज़्यादा रोशन जी देखते हैं आजकल उतना मतलब हमसे नहीं, उतना हंसते बोलते हैं, मतलब जो कभी कभी हो गए तो वो हमसे बोलेंगे हंसेंगे, वरना ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं एक साइड में, नहीं वरना दर्द से मतलब जब उनको मतलब उनका दवाई हम आज और मतलब आज कुछ दवाई आज भी आया तो हम मतलब हम तो नहीं जानते थे कि उन्हीं का दवाई है। तो हम ना मतलब जैसे देखे तो दवाई पूछे ये किसका है, तो वो बोले दादी का है, तो दादी का मतलब
नाम लिखा लिए कि दादी जी का है, तो हमने फिर दादी जी से पूछे कि दादी ये दवाई किन का है, तो बोले रोशन जी का, रोशन का है। तो हम अभी नहीं पूछे कि उनसे कि आप हमें क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं बता रहे हैं, हमें सच्चाई बताइए, क्योंकि हम आपकी पत्नी, हमें सच जाने का पूरा पूरा हक है। आप लोग को मैंने बताया कि हम सही बोल रहे हैं या गलत, तो आप लोग प्लीज़ और हमारा आप लोग जितना हो सके उतना मदद कर सकते हैं हमें। तो और क्या बोलें, हमें तो मतलब इतना बहुत ज़्यादा टेंशन रहा है, तो प्लीज़ आप सब हमें, हमारे हस्बैंड के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि एक पापा भी है, वो एक पति के साथ वो घर के बेटे भी है, बहुत ज़्यादा उनके, क्योंकि और हमारे हस्बैंड जो है वो भाई में अकेले हैं, और अगर उनको कुछ हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा, आप लोग समझ सकते हैं कि लड़की के लिए उनके पति और एक पापा के, एक बेटी के लिए उनके पापा क्या मायने रखते हैं। तो प्लीज़ आप सब हो सकता है जितना जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, और हम बेस एक उनके दवाई के लिए भी, तो भी और हम मतलब डॉक्टर बोले हैं अभी और भी दवाई चलेंगे, वरना ऑपरेशन से काम, ऑपरेशन चलेगा। तो हमें तो इतना यकीन है कि आप लोग दुआ कीजिएगा तो हमारे हस्बैंड बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और हमारा उतना और कुछ कुछ में भी असर नहीं है। तो आप लोग हमारे पति के लिए बस दुआ कीजिए कि जो दवाई चल रहा है भगवान करे उसी में ठीक हो जाए हमारे हस्बैंड। तो फिलहाल तो अब क्या बोलें, हमें तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो फिलहाल इस ब्लॉग में बस यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, लव यू ऑल गाइस। तो प्लीज़ आप हमारे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।